ये है लेनोवो का HW02 पाई बैंड, जिसके हेल्प से आप स्टेप काउंट, कैलोरीज बर्न और हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं काफ़ी बजट प्राइस में। ये बैंड आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो आज मैं इसका पूरा रिव्यू करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है करीब एक महीने तक। तो इसके पीछे एक बकल दिया गया है जिसमें मेटल लगा हुआ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बकल है, जिसके हेल्प से इसे आप पहन सकते हैं। ये रबर फिनिश का ये बेल्ट दिया गया है और काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो 0.42 OLED का डिस्प्ले दिया गया है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका डिस्प्ले थोड़ा धुंधला दिख रहा है और ये इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फ्रेंड, ये बैंड काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये 15 मिनट्स के अंदर आपका हार्ट रेट को ये काउंट करता रहता है ऑटोमेटिकली, और इसके साथ ही आपको स्लीप मॉनिटर भी इसके अंदर मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंड में पहनने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है लेनोवो का HW02 पाई स्मार्ट बैंड, और यहाँ पर ये हार्ट रेट भी चेक करके बता रहा है। आप इसे स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसकी बैकअप की बात करूं तो 5 to 10 days का बैकअप आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखेंगे तो 3 to 4 days का बैकअप मिलेगा। अगर आप रेगुलरली ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको 7 to 10 days का बैकअप मिल जाता है। ये बैंड पहनने के बाद काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा देखने को लगता है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। इसमें ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट है, बैटरी 60mAh की दी गई है और एंड्रॉयड वर्जन 4.4 से लेके 8.0 तक की सपोर्ट करता है। मैंने इसे अपने स्मार्टफोन में इस ऐप को कनेक्ट कर लिया है जो कि लेनोवो के नाम से है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्लीप मॉनिटर दिखाया गया है, यानी कि मेरा लास्ट स्लीप टाइम कितना था वो यहाँ पर दिखाया गया है। इस बैंड की सबसे अच्छी बात ये है कि सारे चीज़ यहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट हैं और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि हार्ट रेट का जो मेज़रमेंट है वो काफ़ी सही देखने को मिलता है और स्लीप मॉनिटर भी काफ़ी प्रॉपरली वर्क करता है। आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मेरा हार्ट रेट चेक कर रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बैंड में भी इसे देख सकते हैं और स्मार्टफोन में भी। मैंने यहाँ पर अपना हार्ट रेट को चेक किया है और इस तरह से ये 67 मेरा हार्ट रेट रिजल्ट बता रहा है। आप इसे बैंड से भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बैंड में आपको मिलती है, और इसके अलावा भी स्मार्ट रिमाइंडर इस बैंड के अंदर दिया गया है, जिसके हेल्प से आप नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बैंड के हेल्प से आप वॉइस कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। इस बैंड के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे आप स्क्रीन में अभी देख रहे होंगे। इस बैंड को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर लेनोवो बैंड को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके साथ आपको HW02 को इस ऐप से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए सिर्फ आपको GPS का परमिशन ये यहाँ पर ऑन करना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर अलाउ करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। स्मार्ट रिमाइंडर में आपको यहाँ पर फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारे मैसेजेस का यहाँ पर आपको अलार्म मिल जाते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन टोन आपको स्मार्ट बैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि जब भी आपका ईमेल या फिर कॉल या फिर व्हाट्सएप में मैसेज आता है तो आपका स्मार्ट बैंड में आपको टेक्स्ट के रूप में आपको ये दिख जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आपका मैसेज या फिर कॉल आपके फ़ोन में आ रहा है। तो काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी इजी बना देता है ये लाइफ को, इसीलिए स्मार्ट बैंड कहते हैं। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ये फिटबिट की तरह या फिर कोई भी अलग बैंड की तरह ये काफ़ी कॉस्टली नहीं है, और इसका प्राइस ओनली 1300 रुपीज़ है, और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है।
इसके अंदर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जिसमें एंटी थेफ्ट भी दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट या फिर कहीं स्कूल कॉलेज में जाते हैं और अपने फ़ोन को ऑपरेट करते करते आप अगर कहीं पर छोड़ देते हैं तो आपका फ़ोन आपसे गुम हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इसके रेंज के बाहर जाते हैं तो ये आपके हाथ में वाइब्रेशन करता है और आपको पता चल जाता है कि आपके बैंड के सहारे ये स्मार्टफोन को सर्च करता है। इससे आपका फ़ोन भी सेफ हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस में काफ़ी बढ़िया बैंड है ये। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि स्मार्ट बैंड वाकई में काफ़ी स्मार्ट है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके क्या प्रॉस है और क्या इसके कॉन्स है। सबसे पहले प्रॉस मैं आपको बता दूँ, इसका हार्ट रेट स्लीप मॉनिटर का जो भी रिजल्ट है वो काफ़ी सही और परफेक्ट है, जो कि दूसरे बैंड में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसकी दूसरी प्रॉस की बात करूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेल्ट इसके अंदर दिया गया है और MI या फिर दूसरे बैंड की तरफ इसका जो बॉडी है वो आपको बाहर नहीं निकालने पड़ते हैं। और यहाँ पर मैग्नेटिक चार्जर का यूज़ करके आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर आपको दिख रहा होगा। इसकी तीसरी प्रॉस की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर एंटी थेफ्ट यानी कि आपके फ़ोन को गुम होने से ये बचाता है। और जो चौथी प्रॉस है वो आपके यहाँ पर हार्ट रेट यहाँ पर 15 मिनट्स के अंदर ही बार बार चेक करके आपको रिजल्ट ये बताता है। अब जाते हैं इसके कॉन्स के ऊपर। तो सबसे बड़ा इसका कॉन्स है इसका बगल सिस्टम, जो काफ़ी बेकार सा है और इसे पहनने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है और जो कि काफ़ी सही भी नहीं है। इसकी दूसरी कॉन्स के बारे में बात करें, लाइट के अंदर इसे आप अगर पहनते हैं तो इसका जो डिस्प्ले वो काफ़ी आसानी से आपको अच्छे से नहीं दिख पाता है, तो इसका ये दूसरा कॉन्स है। और तीसरी कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक चार्जर दिया गया है जो कि काफ़ी आसानी से अवेलेबल आपको नहीं होता है, तो इसका तीसरा कॉन्स है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो ये बैंड बजट सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा है, इसे आप ले सकते हैं। और इसे यूज़ करके आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि इस बैंड के अंदर आपको क्या चीज़ें हैं जो सबसे अच्छी लगी। तो आज के वीडियो बस इतना ही। इस तरह से मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए रवनी इन्फोटेक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और लाइक बटन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।